हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ईयर की। फिजियोलॉजी ऑफ ईयर या फिर आप इसको फंक्शंस ऑफ ईयर बोल सकते हैं। ओके, तो इसके मेजरली दो फंक्शन ईयर। पहला तो है बॉडी बैलेंस मेंटेन करना, ओके, या इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। और दूसरा जो फंक्शन है जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं हियरिंग। तो ये दोनों फंक्शन के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बॉडी बैलेंस या इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, तो जो बॉडी बैलेंस की बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं ये आपका एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना पार्ट, इसके बाद ये ऑडिटरी कैनल है आपका, ठीक है, ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये आपका मिडल ईयर का पार्ट, ठीक है, जिसमें कि आपकी तीन बोन है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इसके बाद जो है ये है आपका इनर ईयर। इनर ईयर जो है इसमें मेजरली हमने देखा था दो पार्ट थे, एक को हम बोलते थे वेस्टिब्यूल, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं कॉक्लिया। तो जो वेस्टिब्यूल पार्ट है इट इज फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, ठीक है ना। तो ये जो बॉडी बैलेंस है ना, ये जो बॉडी बैलेंस है एक्चुअली में ये बॉडी बैलेंस भी आप दो टाइप से समझ सकते हैं। एक तो ऐसा बॉडी बैलेंस जो उस समय होता है जब हमारी बॉडी जो है वो स्टेशनरी होती है, मतलब हम एक फिक्स पोजीशन पे खड़े हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं और आप जो है अपने सिर को, अपने हेड को जो है ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब एक बार आप अर्थ को देख रहे हैं और एक बार आप स्काई को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, धरती को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, धरती को देख रहे हैं। इस टाइप का जब हेड मूवमेंट है जिसमें आपका बॉडी मूवमेंट जो है वो मिनिमम है, तो इस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, और जैसे मान लीजिए आप डांस कर रहे हैं उस समय आपका हेड का मूवमेंट बहुत ज्यादा है और सर्कुलर मूवमेंट टाइप का, आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल होगा या उस टाइम के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली में कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को जैसे हम अगर बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, अब इनर ईयर में मैंने बता दिया कि जो इक्विलिब्रियम है इट इज मेंटेन बाय द वेस्टिबुलर और वेस्टिबुलर एपरेटस, है ना। तो इसके जो रिसेप्टर है इक्विलिब्रियम के रिसेप्टर्स, इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस के रिसेप्टर, वो आपके कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, इनर ईयर में या इंटरनल ईयर, इसके भी कहाँ पर, वेस्टिबुलर एपरेटस। ओके, इसके बाद जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इन वेस्टिबुल, ठीक है, अगर आपको ईयर की एनाटॉमी में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज ऑलरेडी एनाटॉमी ऑफ ईयर की वीडियो अपलोडेड है, आप उसको पहले देख लीजिए फिर ये देख लीजिए, ठीक है। इन वेस्टिब्यूल रीजन प्रेजेंट क्या रहता है, मैकुला। मैकुला मैंने बताया था सेंसरी स्ट्रक्चर से, सेंसरी रिसेप्टर से, मैकुला, मैकुला रिसेप्टर इन द वेस्टिबुलर रीजन। ये मैकुलर रिसेप्टर्स जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आपको वेस्टिब्यूल में आपके दो पार्ट आते हैं, एक तो सैक्युली आ जाता है और एक तो यूट्रिकल आ जाता है। देखिए ये यहाँ पर दिखता है, ये एरिया, ठीक है, ये दोनों इतना एरिया, ये एक और ये, ठीक है, ये दोनों मिला के हम वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं या वेस्टिबुल, ठीक है।
अब मैकुलर रिसेप्टर, तो मैकुलर रिसेप्टर का भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये जो आपके मैकुलर रिसेप्टर्स है ये क्या करते हैं, दे रिपोर्ट, क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑन चेंजेस इन पोजीशन ऑफ, रिपोर्ट ऑन चेंजेस इन पोजीशन ऑफ हेड इन स्पेस, ठीक है ना। ये जो है क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपके हेड की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ हेड। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप एक जगह खड़े होकर एक बार आसमान को देख रहे हैं, एक बार धरती को देख रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो गया। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसकी रिपोर्ट जो है मैकुलर रिसेप्टर, ठीक है ना। और मैकुलर रिसेप्टर आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है वेस्टिबुलर एपर्टसन, मतलब आपका यूट्रिकल और सैक्यूली में, ठीक है ना। और दे हेल्प टू कीप हेड इरेक्ट, हमारे सर को सीधा रखने के पीछे ये रिसेप्टर्स का बहुत बड़ा रोल है ना। थ्रू कैसे रखते हैं, थ्रू वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व होती है ना, ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। और ये वेस्टिबुलर नर्व कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी ब्रेन में सेरी बेलम, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो है आपकी ये मैकुला, ये मैकुला रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट है, वेस्टिबुल में। और ये मैकुला रिसेप्टर ही जो है ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ हेड, जिससे कि हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर कि हम अगर मैकुला की बात कर रहे हैं कि मैकुला क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका वेस्टिबुलर एपार्टस में प्रेजेंट है। अब वेस्टिबुलर एपार्टस क्या है, तो वेस्टिबुलर एपार्टस में आपके दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो सैक्यूली आता है और दूसरा आता है आपका यूट्रिकल, ठीक है ना। तो ये देखिए ये यूट्रिकल और ये सैक्यूली, इसके अंदर है मैकुला। तो मैकुला असल में इट इज द, अगर हम मैकुला की बात कर रहे हैं तो पैच ऑफ हेयर सेल्स, ये क्या है, पैच ऑफ हेयर सेल्स। तो जो मेन सेंसरी रिसेप्टर है इट इज द हेयर सेल, या उसको हेयर रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो पैच ऑफ हेयर सेल रिसेप्टर, तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बदले में एक अपना ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद फिर आप इसको समझ पाएंगे प्रॉपर। तो जो मैकुला का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले तो आपकी रहेगी हेयर सेल्स, तो मैंने ये बना दिया आपकी हेयर सेल्स, ठीक है। हेयर सेल्स के ऊपर जो है हेयर्स होते हैं, क्योंकि उनका नाम ही हेयर सेल है, तो ये इस टाइप से हेयर्स, ठीक है। एक्चुअली में ये हेयर सेल्स है, ठीक है। अब ये हेयर सेल्स के पास में जो है थोड़ी बहुत सपोर्टिंग सेल्स, ये आप मान लीजिए इस टाइप से क्या है, ये सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है ना, ये सपोर्टिंग सेल्स हो गए, ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब ये जो ये हो गई आपकी सपोर्टिंग सेल्स, ये हो गई आपकी हेयर सेल्स, और ये जो ड्रॉ किए इट इज द हेयर डक्ट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, ओटोलिथ या ओटोलिथिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैं यहां पर ये मेम्ब्रेन, इस टाइप
ये वाले जो मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है? ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, ऑटोलिथिक और इसके ऊपर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, या आप ऑटोलिथ जो होता है इसको जेल लाइक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो लिथ्स, जो कि कैसा होता है, इट इज जेली लाइक। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी बना है, ये बना है आपका मैकुला, और ये हर एक हेयर सेल में से इस टाइप से आपके नर्व्स निकलते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, और ये पूरे मिलके एक बड़ी नर्व बना रहे हैं। ये जो बड़ी नर्व यहाँ से निकल रही है, ये इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व, इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व। तो ये आपका मैकुला का स्ट्रक्चर, उसी को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। देखिए सबसे पहले तो आपका ये एंडोलिम्ब, ठीक है, ये मैकुला बोल रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये जो ड्रॉ है बॉक्स में, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये हेयर सेल्स है, ठीक है, हेयर सेल्स के पास में आपकी ये जो सेल्स दिख रही है ये आपकी है सपोर्टिंग सेल्स। उसके बाद ये यहाँ पे इसके हेयर टफ्ट्स है ये, ठीक है, ये आपका ओटोलिथ है। इसके ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल या कैल्शियम साल्ट क्रिस्टल्स होते हैं ओटो लिथ्स के ऊपर, और यहाँ से ये वेस्टिबुलर नर्व जो है ये इन हेयर सेल्स में से निकल रही है, ठीक है। अब आप सिंपल मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा आपका ये हेयर सेल्स होगी, ये पूरा है ना हेयर सेल्स और आपका सपोर्टिंग सेल्स, और इसके ऊपर जो है ये जेल लाइक सब्सटेंस जो है पूरा का पूरा चिपका हुआ। अब क्या होता है, जब आपने सर सीधा रखे तब तो ये ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपने सर को मोड़ते हैं ये जेल लाइक सब्सटेंस जो है ये नीचे की तरफ मूव होता है। जब ये जेल लाइक सब्सटेंस मूव होता है तो ये साथ में हेयर सेल्स की जो हेयर टफ्ट्स है उनको भी अपने साथ में टर्न करता है, और इसी टर्निंग की वजह से इन हेयर सेल्स में नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, और ये नर्व इम्पल्स जो है इन वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू जो है ब्रेन तक जाता है, क्योंकि ब्रेन के पोजीशन की इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिबेलम को प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये जेल इफेक्ट जैसे ही मूव होता है ये हेयर सेल्स के जो हेयर टफ्ट है उनको भी मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से हेयर सेल्स में जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये एक्शन पोटेंशियल जो है वेस्टिबुलर नर्व थ्रू जो है आपके सेरिबेलम तक टर्न हो जाते हैं या मूव हो जाते हैं या प्रोपोगेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हम, ये तो हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब दूसरा जो है आपका है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो जैसा हम जानते हैं कि आपका जो इनर ईयर होता है उसमें फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है सेमी सर्कुलर कैनल, सेमी सर्कुलर कैनल। तो यहाँ पे मैं ये, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ये है आपके सेमी सर्कुलर डक्ट या सेमी सर्कुलर कैनल भी बोलते हैं इसको, ये एक, ये दो, ये तीन, ठीक है, एंटेरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनल है वो स्टार्ट होते हैं एक स्वोलन रीजन से, ये स्वोलन रीजन जो है इसको बोलते हैं हम एम्पुला, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर कैनल में जो एम्पुला रीजन होते हैं वहां पर आपके लोकेटेड होते हैं रिसेप्टा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। स्टैटिक के कहाँ थे, यहाँ पर वेस्टिबुलर, और डायनामिक इक्विलिब्रियम के कहाँ पर है, ये एम्पुलर रीजन, एम्पुलर रीजन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल, ठीक है ना। तो वो जो रिसेप्टर्स है उनका नाम है क्रिस्टा, इसका नाम क्या है, क्रिस्टा, या उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस, क्रिस्टा एम्पुलैरिस, ठीक है ना।
अब ये जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या रहता है? तो इसमें भी हेयर सेल्स है, हेयर सेल्स कवर्ड विथ, हेयर सेल्स है तो उसमें हेयर्स भी रहेंगे, और वो जो हेयर सेल्स रहेगी, पिछले बार आपके जेली लाइक सब्सटेंस मतलब कि ओटोलिथ से कवर्ड थी वो, या ओटोलिथ मेम्ब्रेन से कनेक्ट थी, एक कवर्ड थी, लेकिन यहाँ पर जो है इट इज कवर्ड विथ जिलेटिनस कैप कॉल्ड एज क्यूपुला। इसमें क्या रहेगा? जिलेटिनस कैप से कवर्ड रहेगी, और उस कैप को हम बोलते हैं क्यूपुला। वहां पर था ओटोलिथिक मेम्ब्रेन और यहाँ पर है क्यूपुला। ठीक है, अब जब भी हेड में एंगुलर मूवमेंट होगा, मतलब आप अपने सर को गोल गोल अगर घुमा रहे हैं कि आप लेफ्ट देख रहे हैं राइट देख रहे हैं, ठीक है, सो व्हेन हेड मूव्स इन एंगुलर मूवमेंट, हेड जो है ये एंगुलर मूवमेंट में जब मूवमेंट करेगा, तब क्या होगा कि एंडोलिम्फ, अब हम जानते हैं कि आपका जो ये सेमी सर्कुलर कैनल्स है, सेमी सर्कुलर कैनल में आपका क्या भरा हुआ है? यहाँ पे आपका है एंडोलिम, ठीक है, इसमें क्या है? एंडोलिम। तो एंडोलिम्फ जो है, अब ये आप मान लीजिए ये एक आपको क्रिस्टा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, क्रिस्टा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पर आपकी ये हेयर सेल्स है, ठीक है, ये हेयर लाइक एक्सटेंशन है इसके, यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स है जैसे आपकी मैकुला में थी, ठीक है, ये नर्व फाइबर्स है आपके निकल रहे जो, अब ये क्यूपुला जो है इट इज कवर्ड विद द जेल जिलेटिनस सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूपुला, तो ये वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है क्यूपुला। अब ये कहाँ पर है? ये है आपका पूरा का पूरा ये इस टाइप से एम्पुला रीजन, तो मैं ये बड़ा सा एम्पुला रीजन बना दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेमी सर्कुलर कैनल, ठीक है, अब इसके अंदर में यहाँ पर है एंडोलिम, एंडोलिम एंडोलिम जो है ये इस टाइप से पूरा इसके आसपास में जो है पूरा का पूरा फील्ड है। तो जैसे ही हम हमारे सर को एंगुलर मूवमेंट देते हैं, ये एंडोलिम्फ जो है ये मूवमेंट करता है इसी एम्पुला के अंदर, और ये एंडोलिम्फ के मूवमेंट की वजह से ये जो क्यूपुला है, ये क्यूपुला भी देखिए डॉटेड लाइन दिख रही, मतलब क्यूपुला भी जो है अपनी पोजीशन चेंज करती है, ठीक है, तो जैसे ही हेड मूवमेंट करता है एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट होता है, एंडोलिम्फ में मूवमेंट होता है तो अल्टीमेटली जो है आपका जो क्यूपुला है उसमें भी मूवमेंट होता है, और ये जो है क्यूपुला की मूवमेंट जो है इट बिहेव्स लाइक अ स्विंगिंग डोर, ठीक है ना, और इसकी वजह से इसी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो हेयर सेल्स है ये हेयर सेल्स जो है ये स्टिमुलेट होती है, और स्टिमुलेट होने के बाद यहाँ से जो है इम्पल्सेस जनरेट होती है, और ये इम्पल्सेस जो है ये वेस्टिबुलर नर्व से होते हुए आपकी कहाँ जाती है? सेरी वेलम तक जाती है, ठीक है ना, तो व्हेन व्हेन हेड मूव्स, ठीक है ना, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एंडोलिम्फ एंडोलिम्फ इन द कैनल इन द कैनल लैग्स बिहाइंड, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? क्यूपुला क्यूपुला ड्रैग्स अगेंस्ट द स्टेशनरी एंडोलिम, ठीक है ना, तो वो एंडोलिम्फ के अगेंस्ट में आपका क्यूपुला मूवमेंट करेगा, और उसकी वजह से क्यूपुला जो है क्यूपुला बेंड्स, क्यूपुला जो है बेंड हो जाएगा, और क्यूपुला बेंड होने की वजह से
हेयर सेल्स, हेयर सेल्स जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगी, और हेयर सेल्स स्टिमुलेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी एंड दैट इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड टू वेस्टिबुलर नर्व। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? वेस्टिबुलर नर्व को, ये यहाँ पर ये वाला जो रीजन है आपका, है ना, ये वेस्टिबुलर नर्व बन जाएगी। और ये वेस्टिबुलर नर्व कहाँ तक सेंड करेगी सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को? अप टू दी सेरिबेलम। तो इस टाइप से आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे आपके हियरिंग। अब हियरिंग में जो है, हियरिंग के लिए आप एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हेयर, ईयर में जो है आपके होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स, ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स कहाँ पे होते हैं? इन कॉक्लियर डक्ट। ठीक है, कॉक्लियर रीजन आपको प्रॉपरली पता है कहाँ पर है। अब ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स जो है इट कंटेन हेयर सेल्स, इसमें भी हेयर सेल्स होते हैं एंड हेयर सेल्स आर द हियरिंग रिसेप्टर्स, हियरिंग रिसेप्टर्स। ना, अब देखिए यहां पर ये जो डायग्राम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका साउंड वेव्स जो है ये पिन्ना से होते हुए, ऑडिटरी कैनल से होते हुए ईयर ड्रम पे पहुंची। अब ईयर ड्रम जो है ये एक मेम्ब्रेन होता है, या उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इन साउंड वेव्स की वजह से ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ये वाइब्रेट करती है, ये वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करने की वजह से जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर में आपके तीन बोन है, ठीक है ना, पहला बोन है आपका मेलियस, फिर है इनकस, और फिर है आपका इस टाइप से स्टेपिस। और यहाँ पर आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जैसे ही वाइब्रेट करती है ये वाइब्रेशन जो है इन तीनों बोन से होते हुए इधर इनर ईयर में जो ओवल विंडो होता है उसमें चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मिडल ईयर में आपकी तीनों बोन है वो क्या करती है? इट इज फॉर द एम्प्लीफिकेशन पर्पज। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। अब ये साउंड वाइब्रेशन जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से होते हुए आपके इनर मिडल ईयर से होते हुए फिर आया आपके वेस्टिबुलर एपरेटस में, जहाँ पे बॉडी बैलेंस का काम हुआ, फिर उसके बाद आपके आ गए ये सेमी सर्कुलर कैनल में, ठीक है, यहाँ पर भी बॉडी बैलेंस मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का काम हुआ। अब ये आगे में जो है यहाँ पर ये है आपके कॉक्लिया, ये कॉक्लिया में जो आपके प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है उसमें आपका रहता है हेयर सेल्स, और ये हेयर सेल्स जो है आपके हियरिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इनर ईयर के स्ट्रक्चर में देखा है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन है ना, रिस्नर्स मेम्ब्रेन, ये सब कुछ हमने देखा है प्रॉपरली। अब इसको हम समझते हैं कि हियरिंग में क्या होता है। तो हियरिंग में मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा साफ करके रखना चाहिए, काम आएगा थोड़ी देर। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। तो इन स्केला अबो एंड बिलो, स्केला अबो एंड बिलो। तो स्केला अबो कौन सा है? स्केला वेस्टिबुला है, ये वाला जो मैंने बताया था कि आपके कॉकलिया जो है तीन चैम्बर में डिवाइडेड है, ये पहला चैम्बर, ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरा चैम्बर, और ये है आपका तीसरा चैम्बर। जो ऊपर वाला चैम्बर है उसको हम बोलते हैं
स्केला वेस्टिबुला, ठीक है ना। और दूसरा जो चैम्बर है उसको बोलते हैं स्केला टिम्पेन, स्केला टिम्पेन, ठीक है। ये जो है आपके चैम्बर्स है। अब ये स्केला वेस्टिबुला है और स्केला टिम्पेन, इन दोनों में इट कंटेन पेरिली, इसमें क्या होता है पेरिली। अब जैसे ही, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस टाइप से एंटर कर रहा है साउंड वेव, तो ये एंटर करते करते जो है ये इस टाइप, ओके। तो ये साउंड वेव्स जो है ये एंटर करते करते आपके पहुंच गया कहाँ पे, कॉकलिया रीजन। अब कॉकलिया रीजन में हमने बताया था कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर में स्टडी करना थोड़ा सा हार्ड जाता है, इसलिए हमने उसको अनकॉइल कर दिया। अनकॉइल करने से हमको इसी इसी कॉकलिया में आपको तीन चैम्बर दिख रहे हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाले को हम बोलते हैं स्केला टिम्पेनी, और ये स्केला मीडिया, और यहाँ पर आपके लोकेटेड होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। अब ये स्केला वेस्टिबुलाई बोलो या स्केला टिम्पेनी बोलो, इन दोनों में यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पेरिकल, और यहाँ पर रहता है आपका एंडोलिम, ठीक है। तो ये पेरिलिम्फ है। ये पेरिलिम्फ क्या करते हैं कि जब साउंड वेव्स इन पेरिलिम्फ से होते हुए जाती, तो ड्यू टू साउंड वेव्स थ्रू द ओवल विंडो, यहाँ पे आपका ओवल विंडो है, ये भी हमने प्रॉपरली डिस्कस किया है, ठीक है। तो ड्यू टू साउंड वेव्स थ्रू ओवल विंडो, ठीक है, ओवल विंडो से साउंड वेव्स जो है आपकी एंटर कर रही है कहाँ पे, कॉकलिया रीजन। अब कॉकलिया रीजन में ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी, इसमें जो पेरिलिम्फ भरा हुआ है ना, पेरिलिम्फ जो है इट इज इन मोशन, और इसी मोशन की वजह से दिस प्रेशर वेव्स, तो ये यहाँ पे प्रेशर वेव जनरेट हो जाती है, ठीक है ना, इसके अंदर में प्रेशर वेव जनरेट हो जाती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक डायग्राम, इस टाइप से आपका कॉकलिया, ठीक है, ये है आपका ओवल विंडो, ये है आपका राउंड विंडो, ये आपके ऊपर वाला चैम्बर जिसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुला, ठीक है, और यहाँ पर है आपका स्केला टिम्पेन, ये कॉकलिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब साउंड वेव जो है यहाँ से एंटर करेगी इस ओवल विंडो से, ठीक है, ओवल विंडो से जैसे एंटर करेगी इसके अंदर में भरा हुआ है पेरिलिम्फ, ठीक है। तो ये पेरिलिम्फ में भी जो है प्रेशर वेव जनरेट हो जाएगी, प्रेशर वेव जनरेट हो जाएगी। अब ये प्रेशर वेव जो है, अब यहाँ पर हम जानते हैं ये वाला जो बीच वाला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया, ठीक है। स्केला मीडिया में भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है एंडोलिम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पर लोकेटेड होती है आपकी हेयर सेल्स इस टाइप से, ठीक है, ये उसके हेयर्स डक्ट, ये हेयर सेल्स है, उसके आसपास में जो है बड़ी और छोटी सपोर्टिंग सेल्स होती है, ये बड़ी छोटी सपोर्टिंग सेल्स हो गई, ठीक है, और यहाँ से निकलती है आपकी नर्व्स, ठीक है, जिसके ऊपर में एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से जो है, अब क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये है आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसके नीचे में ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, मतलब ये पूरा सेटअप, मतलब हेयर सेल्स साथ में सपोर्टिंग सेल्स, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ये जो हेयर सेल्स के नीचे में जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं
बेसिलर में, बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ से साउंड वेव्स आई, वॉल विंडो से एंटर हुई, पेरी लिम्फ में प्रेशर वेव जनरेट हुई उसके कारण, इसके कारण आपका पेरी लिम्फ जो है वो मोशन में आया। पेरी लिम्फ मोशन में आने की वजह से जो आपके बेसिलर मेम्ब्रेन है इसमें वाइब्रेशंस डेवलप हुए, क्योंकि नीचे फ्लूड ही हिलेगा, फ्लूड में मोशन है तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन भी जो है ये वाली मेम्ब्रेन वाइब्रेट। इसकी वजह से जो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की जो हेयर सेल्स है, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपका है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपकी रहेगी हेयर सेल्स। तो इस बेसिलर मेम्ब्रेन के मूवमेंट की वजह से हेयर सेल्स जो है वो भी जो है मूवमेंट करने लगती है, ठीक है, और इसकी वजह से, या आप बोल सकते हैं हेयर सेल क्या होती है, बेंड होती है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये मूवमेंट हो गई, और ये ऊपर से मूवमेंट की वजह से ये जो टेक्टरल मेम्ब्रेन है ये भी मूवमेंट करती है, इसकी वजह से हेयर सेल बेंड होती है, ये हेयर टब जो है ये इस टाइप से टेक्टरल मेम्ब्रेन में घुसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। तो ये सब मूवमेंट की वजह से टेक्टरल मेम्ब्रेन जो है वो भी मूवमेंट कर रहा है, नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन में भी वाइब्रेशन है, इसकी वजह से ये हेयर सेल्स जो है इनमें जो है आपकी इम्पल्सेस जनरेट हो जाती है, और ये इम्पल्सेस जो है फिर आपकी जो कॉकलियर नर्व है, ये वाली जो नर्व है ये है आपकी कॉकलियर नर्व, तो ये कॉकलियर नर्व से होते हुए इम्पल्सेस जो है वो आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब यहाँ तक ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो ये आपका स्केला वेस्टिबुला है, ये आपका स्केला टिम्पेनी और ये आपका स्केला मीडिया, उसके अंदर में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपको दो तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे कि सबसे मेन है आपका हेयर सेल, ये हेयर सेल के हेयर सेल जो है उसके हेयर टब जिसको हम स्टेरियोसिलाई भी बोलते हैं, ठीक है, और स्टेरियोसिलाई जो है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो कि आपकी जिलेटिनस होती है, जेल लाइक होती है। अब ये नीचे में ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है इट इज द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे ड्यू टू द मोशन इन द एंडोलिम, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी जो है मूवमेंट करने लगे, उसकी वजह से ये जो स्टेरियोसिला है या हेयर टफ जो बोल रहे हैं हम, ये हेयर टफ में भी मूवमेंट डेवलप होगा और ये जो है इस टाइप से मूवमेंट करने लगेंगे आगे पीछे, और इनकी मूवमेंट की वजह से इन हेयर सेल्स में इम्पल्सेस जनरेट होंगे, और ये इम्पल्सेस जो है यहाँ से ये निकल रही है आपकी कॉकलियर, यहाँ से नर्व्स निकलेगी और ये स्टेप्स बनती जाएगी जो बनेगी आपकी कॉकलियर नर्व, कॉकलियर नर्व और जाएगी आपके टेम्पोरल लोब तक। तो इस टाइप से आपका ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग या फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। थैंक यू।